हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप इस भर्ती को आवेदन करना चाहते हो, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो को कंटिन्यूस देखना है, अंत तक देखना है, वरना आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि यूपी से जो बाहर के राज्य वाले जो कैंडिडेट है वो इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यूपी टेट या सी टेट भी मांगा या नहीं मांगा है, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप जानना चाहते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव किया अब की बार यूपी बोर्ड ने। ध्यान से देखिएगा इस नोटिफिकेशन को अंत तक। ये देखिए दोस्तों, यूपी में 69,000 पोस्ट से रिलेटेड जो असिस्टेंट टीचर के रिगार्डिंग है, ये 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट है 6 जनवरी और एग्ज़ाम रिजल्ट डेट आ जाएगा इसका 22 जनवरी को। पूरी फर्स्ट भर्ती है, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा मैं। फीस कटेगी ₹600 ओबीसी कैंडिडेट की और जनरल की, एससी एसटी की ₹400 और पीएच की कुछ नहीं कटेगी, जीरो। और दोस्तों, इसमें देखिएगा कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता देखिएगा, पहले योग्यता देखिएगा। जो कैंडिडेट बीएड हो, बीएड वाला भी आवेदन कर सकता है, डीईएलईडी वाला, बीटीसी वाला भर सकता है। और दोस्तों, प्राइमरी लेवल का यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका यूपी टेट क्लियर नहीं है तो सी टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, सी टेट वाले आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती को। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष, कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। एससी एसटी और ओबीसी वालों को 5 साल की छूट है, और पीएच जिसे हैंडीकैप बोलते हैं उनको 15 साल की छूट है एज में। और भी डिटेल दिखाता हूँ दोस्तों, जो अब की बार कुछ परिवर्तन हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन लॉन्च किया है बोर्ड की तरफ से, अब की बार बहुत कुछ चेंज किया है। ये देखिए दोस्तों, आयु सीमा इसमें लिख रखी है कि एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 5 साल की छूट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी बहुत सारी छूट है इसमें, और विकलांगों के लिए तो 15 साल की छूट इसमें दे रखी है। और दोस्तों, निवास स्थान ये ध्यान रखिए दोस्तों, जो यूपी से बाहर के लोग हैं, जो बाहर के कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत का नागरिक हो और उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो। उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, 5 साल पुराना, 5 साल पुराना, आवेदन तिथि से 5 साल पूर्व का आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का दिखाना पड़ेगा। यानी जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, जो पंजाब के, दिल्ली के, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, वो इस भर्ती को अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों, जो पिछली साल यूपी में जो भर्ती हुई थी, 68,500 से रिलेटेड जो वैकेंसी निकली थी, उसमें ये निवास स्थान से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं थी। वो भर्ती कोर्ट में घिस रही है अब भी। अब की बार बोर्ड ने अपनी मर्जी से ये जो है स्कीम लॉन्च कर दी कि यूपी का ही निवासी होना चाहिए और यूपी वाला ही इसे आवेदन कर सकता है, अगर 5 साल पुराना उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे सी टेट पास हो चाहे यूपी टेट पास हो, इनमें से कोई एक टेट पास होना चाहिए, वो आवेदन कर सकता है। और कोई टेट इसमें लागू नहीं है, सी टेट या यूपी टेट, और उत्तर प्रदेश का स्थानीय निवासी हो। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग प्रक्रिया है। बीएड वाला भी इसे अप्लाई कर सकता है, बीएड वाला अप्लाई कर सकता है, डीएड वाला अप्लाई कर सकता है, बीटीसी वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन यूपी टेट और सी टेट में से क्लियर होना चाहिए और कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का ही हो। ये दोस्तों आपको क्लियर कर दिया है मैंने स्पष्ट रूप से, बार बार और बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं डेली वेज लाइव जाता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर। तो दोस्तों, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये आपको क्लियर करा दूं कि यू
उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, 5 साल पुराना उसके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूपी टेट या सी टेट में से एक क्लियर होना चाहिए। ये कन्फर्म है, बोर्ड ने स्पेशल इजलास दे दिया है, क्योंकि पिछले साल 68,500 जो वैकेंसी निकली थी उसमें अदर स्टेट वालों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, अदर स्टेट वाले, क्योंकि ये निवास जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट यूपी का ही हो ऐसी 68,500 में कोई मान्यता नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो भर्ती अब कोर्ट में घिस रही है, उसका डिसीजन आना अभी बाकी है। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट कह दिया कि निवासी होना चाहिए उत्तर प्रदेश का और 5 साल पुराना उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ बताना है कुछ कहना है तो कमेंट के द्वारा कह सकते हैं, और इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी फेरबदल होगा बोर्ड की तरफ से मैं आपको तुरंत अवगत करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।